बैक टू चैनल। तो आज मैं थोड़ा देख सकते हो आज हम पूरा तैयार हो चुके हैं। तो आज कलकत्ता निको पार्क में एक इवेंट होने वाला है, तो वहां पे हम लोग जाने वाले हैं। ये कोई बाइक वगैरह कोई मोटर व्लॉगिंग नहीं है, ये सिर्फ सिंपल व्लॉगिंग होने वाला है। मैं ट्रेन से जाने वाला हूं, तो कहां जा रहा हूं, क्या इवेंट है, वो सब कुछ हम आपको वहां पे जाने के बाद दिखा देंगे। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और देखते रहिए इस वीडियो को, ये बहुत अच्छा व्लॉग होने वाला है, कहीं मत जाइएगा। हम वहां पे पहुंचने के बाद फिर से ये व्लॉग रिज्यूम करेंगे। गाइस हम लोग अभी विधाननगर आ चुके हैं और हमारा उबेर भी बुक हो गया है, तो यहाँ से हम उबेर करके लगभग 15-20 मिनट लगेगा। तो वहाँ पे जाके आप लोगों को दिखाएंगे कि क्या उनका इवेंट है, क्या हो रहा है वहाँ पे, हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं और क्या क्या होने वाला है, वो सब लोग हम लोग वहाँ पे जाके आपको दिखाने वाले हैं। तो ब्लॉग में जुड़े रहिए। उतर चुके हैं और आप देख सकते हो अभी कि हम लोग कहाँ आए हैं। हम निको पार्क आए हुए हैं, यहाँ पे एक इवेंट होने वाला है। वो किस चीज़ का इवेंट होने अभी भी सस्पेंस है, वो अंदर जाने के बाद हम आपको दिखाएंगे। तो अभी थोड़ा देखते हैं कि कहाँ से हम लोग एंट्री कर सकते हैं, कहाँ से हम अंदर घुस सकते हैं, अभी तक पता नहीं चला क्योंकि वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड से पूछा तो वो बोल नहीं पाए कि कहाँ से क्या जाना है। तो अभी हम लोग ढूंढ के निकलने वाले हैं कि कहाँ से जाना है, क्या करना है, कहाँ पे इवेंट हो रहा है। तो चलिए अंदर जाने के बाद आपको दिखाएंगे। हम लोग अभी मेन गेट से होके बहुत दूर आ चुके हैं, अभी हम पैदल जा रहे हैं वो गेट की तरफ, प्लाजा 3। हमको पता नहीं था और यूनाइटेड से भी ये एक्सपेक्टेड नहीं है कि वो लोग वहाँ पे एक भी बैनर या फ्लैक्स नहीं लगा हुए हैं, और जो भी सिक्योरिटी गार्ड है उन लोग भी पता नहीं कि कौन सा इवेंट हो रहा है, क्या हो रहा है। तो अभी वहाँ से पूछ के हम लोग अभी जा रहे हैं सामने, देखते हैं कितना दूर है, पता नहीं। 5 मिनट से अभी पैदल चल रहे हैं, देखते हैं कितना दूर है, उसके बाद वहाँ पे जाके आप लोगों को अपडेट देंगे। तो फाइनली हमको मिल गया है जहाँ से हमको एंटर करना है, तो अभी देखते हैं क्या पास क्या होता है, क्या वगैरह क्या नहीं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। इवेंट पे अंदर आ चुके हैं बहुत देर वेट करने के बाद, करीब 1.5 घंटा वेट करने के बाद हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे। तो अभी हम आप लोगों को दिखाते हैं कि ये कौन सा इवेंट है और क्या है। तो ये हो रहा है इवेंट, ये मैनचेस्टर यूनाइटेड और न्यूकासल का एक स्क्रीनिंग होने वाला है यहाँ पे, उसी का इवेंट चल रहा है। तो अंदर जाते हैं, देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। गाइस यहाँ पे बहुत ज्यादा शोर है, तो हम लोगों को कुछ सुनाई नहीं दे रहा, शायद आप लोगों को भी मेरा आवाज नहीं सुनाई देगा, लेकिन यहाँ का जो एम्बियंस है ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। ये यूनाइटेड का पहला इवेंट है कोलकाता में, और लकीली हम लोगों को टिकट्स मिल गए थे और हम लोग बहुत पहले आ चुके थे, कुछ नहीं होता, तो शायद आप लोगों को मेरा आवाज भी नहीं आ रहा होगा, तो ये लकी लकी बात है।
होगा, ब्रेक मारो। तो फाइनली गाइज आई एम बैक होम, और आज का जो दिन था वो बहुत अच्छा था। मतलब ये लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था मेरे लिए, जो प्लेयर्स मतलब जिनको मैं देखते हुए बड़ा हुआ हूँ, जैसे कि पॉल स्कोल्स, रायन गिग्स, सिल्वेस्टर, फिर वेस्ट ब्राउन, इनमें से वेस्ट ब्राउन और सिल्वेस्टर आज कलकत्ता आए हुए थे एक इवेंट के लिए, आई लव यूनाइटेड इवेंट, जो कि कलकत्ता में निको पार्क में प्लाजा 3 वहां पे होस्ट किया गया था। और उन लोगों को मतलब देखते हुए मैं बड़ा हुआ हूँ, मेरा जो फुटबॉल के लिए पैशन है वो उन लोगों को देखते ही, मतलब देखने के बाद ही मेरा पैशन आया था फुटबॉल में। रोनाल्डो जो कि मेरा बहुत बहुत पसंदीदा प्लेयर है, मेरा आई मीन डाई हार्ड फैन, और इन लोगों को देखते ही मैं बड़ा हुआ हूँ, इन लोगों को देखते ही मुझे फुटबॉल खेलने का जो पैशन है इन लोगों को देखते ही आया है। और इन लोगों को सामने से देखना, अपने आंखों के सामने देखना, ये मेरे लिए बहुत 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 बड़ी बात है। और आज का जो ये इवेंट है, जो इवेंट था सॉरी, वो जो मैनचेस्टर यूनाइटेड ने ऑर्गेनाइज किया, उसके लिए फ्रॉम कोलकाता वी आर सो मच थैंकफुल, वी आर वेरी ग्रेटफुल दैट वी हैव होस्टेड सच एन अमेजिंग इवेंट। इट वॉज a treat to be there to in front of our idols, in front of our of the players of United, the legends of United। और क्या बताऊं, जो event था उसका जो setup था, उसका जो organization था, was everything was pitch perfect। मैं पूरा game देख नहीं पाया Manchester United और Newcastle का, मैं half time के बाद मुझे निकलना पड़ा वहां से, क्योंकि मेरा घर बहुत दूर था, तो नहीं तो मुझे बहुत रात हो जाता घर आते आते, तो इसलिए मुझे हाफ टाइम के बाद मैं वापस आ गया। लेकिन वो हाफ टाइम तक मैं दो बजे से मैं लाइन में खड़ा था अप टिल 7:30, मैंने जो एंजॉय किया आई नेवर फॉरगेट दैट इन माय लाइफ। और हाँ, दूसरी बार अगर फिर से यूनाइटेड और एक इवेंट करता है इन फ्यूचर, मैं जरूर 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 अटेंड करने वाला हूँ। और मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं, वो जरूर एक बार, अगर आप मैनचेस्टर यूनाइटेड का फैन हैं कि नहीं है, अगर आप सॉकर देखते हो कि नहीं देखते हो, अगर आप फुटबॉल से प्यार करते हो कि नहीं प्यार करते हो, एक बार ये वाला इवेंट एक बार अटेंड कर लीजिए, जो प्यार नहीं करते वो भी प्यार में पड़ जाएंगे। और दूसरी बात, जो लोग ऑलरेडी सॉकर से बेहद प्यार करते हैं, उन लोगों के लिए ये एक ड्रीम जगह है। बहुत सारे एंटरटेनमेंट के लिए वो गेम्स थे, और एक एक जगह पे फोटो शूट करने के लिए उन लोगों ने अलग सा एक स्टूडियो टाइप्स बना के रखा था, जहां पे हम लोग जाके फोटो खींच सकते थे जर्सी को लेके, फ्लैग को लेके। मैं वहां पे जा नहीं पाया क्योंकि बहुत लंबी लाइन थी, और मुझे उतना बड़ा लाइन देख के वहां पे जाके खींचने का मन नहीं कर रहा था, बिकॉज आई वॉज सो मच इंट्रीग्ड बाय द एनवायरमेंट, बाय द एम्बियंस, आई वॉज नॉट लुकिंग फॉर अ फोटो विद द जर्सी और विद द फ्लैग। मैंने बैनर्स, बहुत सारे बैनर्स हैं वहां पे, मैंने बैनर्स के साथ खड़े होके वहां पे फोटोज ली, मैंने वो एनवायरमेंट को एंजॉय किया, मैंने वो एम्बियंस को एंजॉय किया। और वहां पे मुझे जो दिखा, मतलब एक 2-2.5 साल का बच्चा होगा, वहां से लेके सीनियर सिटीजन तक वहां पे प्रेजेंट थे, मैनचेस्टर यूनाइटेड का जर्सी पहने हुए। दैट वाज अ वेरी 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 मतलब क्या बोलूं मैं, एक मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन होते हुए ये इतना गर्व का बात है कि एक छोटा बच्चा, हाँ हो सकता है कि वो अभी समझता नहीं है, लेकिन उनके जो माता पिता है, उनके जो पेरेंट्स है, उनका जो पैशन है, ये देख के बहुत अच्छा लगता है कि हमारा जो इंडिया है वो आगे बढ़ रहा है अभी।
सॉकर फुटबॉल ये सब उतना ज्यादा क्रेज नहीं था पहले. अभी हम ये जो क्राउड मैंने देखा वहां पे, अभी हमको लगता है कि इंडियन फुटबॉल एक बहुत ही अच्छी जगह पे जाने वाला है. नियर फ्यूचर में हम इंडिया को बहुत बहुत अच्छी जगह पे देख सकते हैं. हो सकता है कि इंडिया वर्ल्ड कप पे भी जाए और खेले. और हम तो दिल से दुआ करते हैं कि हमारा इंडियन टीम वर्ल्ड कप पे जाए, ताकि हम भी वर्ल्ड कप के टाइम पे इंडिया इंडिया चिल्ला सके और सपोर्ट कर सके. तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं. और मेरा ये ब्लॉग अगर आप लोगों को पसंद आए जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा. और नीचे जो लाल बटन है सब्सक्राइब बटन, अगर आपने वो नहीं दबाया तो वो अभी दबा दीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं और ज़्यादा वीडियोज़ ला पाऊँ और ज़्यादा अच्छे अच्छे कॉन्टेंट्स आपको दिखा पाऊँ. तो आज के लिए बस इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे. बाय बाय एंड गुड नाइट.